ये देखिए कितनी लाजवाब, कितनी सॉफ्ट है, देखिए एकदम, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, एकदम स्पंजी, एकदम फेदर लाइट। ये सूजी की इडली, रवा इडली और चटनी मैंने सर्व कर दिया है, आप भी इस तरह से बनाएं और इसका प्रोसेस आगे वीडियो में देखें। ये देखिए मैं आज इडली, रवा इडली, सॉफ्ट एकदम फेदर लाइट रवा इडली बनाऊंगी, उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आगे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये सूजी को अगर बहुत आपको लाइट इडली बनानी है तो रात भर के लिए दही डाल के आधा कटोरी और 1.5 कटोरी सूजी मिला के ऐसे ही रख दीजिए। देखिए एकदम अच्छा फर्मेंट हो गया, अब इसकी इडली बनाएंगे। इतनी सॉफ्ट, इतनी फेदर लाइट एकदम इडली बनेगी। तो इसको अभी मैं बाद में बनाऊंगी, वो उसके साथ खाने के लिए मैं चटनी बना रही हूँ, उसके लिए आपको विधि दिखा रही हूँ। मैंने ये ग्राइंडर जार लिया है स्मॉल, इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी धनिया, 2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी रोस्टेड पीनट और थोड़ी सी नारियल, और इन सब चीज़ों को इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे, और नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच चीनी और दही बस। और आपको दही नहीं डालना है तो आप नींबू का रस या इमली का रस भी डाल सकते हैं, और ऊपर से कड़ी पत्ता से और राई से एक छौंक लगा दें। ये देखिए मेरी चटनी तैयार हो गई है, अब इसके ऊपर मैंने ये तड़का डाल दिया। मैंने कड़ी पत्ता, राई का तड़का लगाया, अब फर्स्ट क्लास चटनी बन के तैयार है। अब आगे आप प्रोसेस देखिए इडली का, और इडली और चटनी के साथ सर्व करेंगे, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनता है। ये देखिए अब ये जैसे जो रात भर भिगो देने से ये इतनी लाइट हो जाती है, फूल जाती है, कि आप इसमें कुछ मत डालिए, बस हल्का सा नमक डालिए और इसको स्टैंड पे लगाइए और इडली बना लीजिए। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो 15 मिनट के लिए दही के साथ भिगो दीजिए, और उसमें फिर इनो या सोडा, खाने वाला जो बेकिंग सोडा होता है वो आप डाल सकते हैं, और स्टैंड पे इसी तरह से आप भर दीजिए और स्टीम कर लीजिए 2 मिनट में। 2 मिनट अगर पानी उबल गया है तो 2 मिनट लगते हैं इडली बनने में, तो 2 मिनट में बन जाए, उसको फिर चटनी के साथ आप सर्व करिए, और इसी तरह से सारी इडली हम बनाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है, और सूजी की इडली, रवा इडली बहुत ही सॉफ्ट, फेदर लाइट एकदम बनती है। तो आपको ये देखिए इसी तरह से स्टैंड पे लगा दीजिए, और इसको हम ये पानी उबलने लगा है, अब इसमें ऐसे रख देंगे और ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे, बस हमारी इडली 2 मिनट में तैयार हो जाएगी, और उसको ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा निकाल के चटनी के साथ सर्व। देखिए मेरी कितनी बढ़िया एकदम फूली फूली इडली बन के तैयार हुई है, अब इसको थोड़ी देर तक इसमें ठंडा रहने देंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद निकाल के चटनी के साथ सर्व। देखिए मेरी इडली बन के तैयार हुई है, मैंने इसको सर्व कर दिया है, नारियल और मूँगफली की चटनी, और पूरा मेथड इसमें आपको वीडियो में दिखेगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, आप भी इस तरह से बनाएं। कितनी सॉफ्ट है देखिए, एकदम सॉफ्ट, और इस तरह बनाएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कुछ आपको चाहिए मुझसे, आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ की विधि, किसी चीज़ का मेथड, तो मुझे लिख के बताएं, मैं बनाऊँगी, और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब।